फ्रेंड्स, मैंने ये तांबे का सेट मंगवाया है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये तांबे का सेट है और जिसमें ये मिनी कढ़ाई है। इसको क्लीन करने के लिए, ऐसे टेस्टिंग के लिए शाइनिंग पाउडर दिया गया है तांबे का साफ करने के लिए। वैसे मैं भैया पाउडर से क्लीन करती हूँ। एक छोटी सी बकेट है ये तांबे की, और ये है एक तांबे का, और अंदर स्टील लगा हुआ है इसमें। पॉट, सर्विंग बोल है, और एक बड़ी कढ़ाई है, ये तांबे की कढ़ाई है और अंदर स्टील लगा हुआ है। और एक ये इसके साथ में बड़ा वाला है। तो ये पांच का सेट है, जैसे दो कढ़ाई है बड़ी और छोटी, ऐसे ही दो पॉट भी हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और ये छोटी सी बाल्टी है। कुछ साल पहले, शायद दो साल पहले की बात है, दिवाली ऑफर में मुझे ये छोटी कढ़ाई और ये छोटा वाला पॉट दिखा था, और वो मैंने मंगवाया था, लेकिन उसमें ना हैंडल टूटा हुआ था कढ़ाई का, तो फिर मैंने उसको रिटर्न डाल दिया। और फिर वापस से वो वाला ऑफर जो मैंने परचेज किया था वो मुझे दिखाई नहीं दिया, फिर पेंडिंग हो गया, इसको लेना ही नहीं हुआ। फिर इतने दिनों बाद फिर से मेरा दिल हुआ कि ये मुझे चाहिए है, और अब मैं जब भी कोई होटल स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाऊं तो मैं आपके साथ जब शेयर करूं तो मैं इसमें सर्व करके दिखाऊंगी, और इसलिए मैंने मंगवाया ये पूरा सेट। मैं मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आपको कैसा लगा मेरी किचन का ये छोटे छोटे से क्यूट से बर्तन, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाल्टी कितनी क्यूट है ना, मस्त एकदम। और खासकर इसमें दाल मखनी या फिर राजमा ऐसे करके आते हैं ना, तो मस्त लगते हैं ना बाल्टी में, ऐसे ट्रेडिशनल फूड लगता है। और इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि अंदर स्टील लगी होती है ना, तो अंदर जैसे आप कुछ भी खाना रखते हैं तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होता, इसीलिए वो अंदर स्टील लगाते हैं, और बाहर से तांबे का रहता है और वो ऐसे शाइन करता है। इसे क्लीन करना भी बहुत ईजी रहता है, मैं तो भैया पाउडर ही यूज करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि गुप्ता जी का ट्रांसफर हो गया है, और ट्रांसफर भुसावल हुआ है, इसलिए मुझे शिफ्टिंग नहीं करनी होगी, और इसी बात की खुशी है। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए जिसमें से कुछ व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उनका प्रमोशन भी हुआ है क्या, तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, प्रमोशन नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, मतलब डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ। और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा स्पेशल और देशी स्टाइल भी कह सकते हो, और ढाबे स्टाइल भी कुछ इस टाइप का डिनर बना रही हूँ, समझ गए होंगे सब लोग, है ना। बैंगन भून रही हूँ, बैंगन बहुत बढ़िया आया, एकदम चिकना सॉफ्ट वाला, और हल्के भी है। बैंगन को भूनने से पहले हल्का सा तेल लगा लिया, और नाइफ से इस तरीके से बीच में से कट के निशान लगा करके इनके अंदर लहसुन के कलियां अंदर डाल दो, तो लहसुन भी भुन जाता है और बैंगन जल्दी से और अच्छा भुनता है। और सेपरेटर कुकर में आज मैं डाल रही हूँ फर्स्ट टाइम, मैं ज्यादातर मूंग दाल या फिर तुअर दाल बनाती हूँ, आज सेपरेटर दाल कंटेनर में ही मैंने थोड़ी सी चना दाल यानी 2 चम्मच चना दाल और 1 कटोरी उड़द की दाल, अच्छा दोनों दालों को मिक्स करके धो करके फिर साफ पानी डाल करके हल्दी नमक डालकर साथ में 1 टमाटर डाल करके दाल को उबालूंगी, और दूसरे कंटेनर में चावल जिसमें घी और नमक डाल करके, और यहाँ कढ़ाई पे मैंने तेल गरम किया और थोड़े से शेंग दाने फ्राई कर लिए। फ्राई फ्राई क्रंची क्रंची शेंग दाने ना बहुत टेस्टी लगते हैं बैंगन के भरते में, यदि आपने कभी नहीं ट्राई किया तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगता है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज लगता है। मटर तो हम लोग विंटर सीजन में डालते ही हैं, तो मैंने फ्राई करके साइड में निकाल लिया है, और तेल में डाला है लहसुन की कलियां, साथ में डाला है जीरा, लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए, लाल हो जाए, और फिर हरी मिर्ची कटी हुई डाल दी है, तीखा चटपटा, और साथ में अदरक कद्दूकस किया हुआ, तो तीखा चटपटा वाला बनेगा बैंगन का भरता और देशी स्टाइल वाला। और ये हरी मिर्ची अदरक भुनने के बाद ये मैंने डाली है कटी हुई प्याज, प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, और आंच को मीडियम ही रखा है मैंने, लगातार हिलाते जाएं,
थोड़ा सा तेल लगेगा कि हाँ ऊपर की ओर है, क्योंकि अब देखो ढाबे वगैरह में एकदम सूखा तो नहीं मिलता ना कुछ तेल मसाला चटपटा तीखापन वो चीज अच्छी लगती है बैंगन के भरते में, बहुत कम तेल वाला नहीं अच्छा लगता, या फिर चोखा है ड्राई ड्राई वाला। और ये टमाटर कटे हुए डाले, साथ में नमक डाला, जिससे नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, और इन्हें भून लिया है। अब यहां पर मैंने डाली है लाल मिर्ची पाउडर, साथ में डाला है बैंगन भून करके जो मैंने रखा था, छिलका निकाल लिया था, अच्छे से मैश कर लिया है, और इसे डाल करके मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों मिलाना चाहिए बैंगन को ना, बहुत ज्यादा तेज तेज जैसे और सब्जियां हम लोग मिक्स करते हैं वैसे नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है ना तेल कितना भी आपने डाला हो वो गायब हो जाता है, मतलब जल्दी ज्यादा उसको घोट दिया ना तो वो तेल दिखता नहीं है, अगर हल्के हल्के हाथों ऐसे हिलाओ तो वो तेल आपका अलग अलग दिखाई देगा और भरता आपस में मिक्स हो जाता है। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता और ये जो हमने फ्राई किए थे शेंगदाने वो डाले हैं, क्रंची क्रंची रहेंगे लास्ट में आप डालोगे तो, और फिर उनको आप हल्के से मिक्स कर लो, बस बैंगन का भरता तैयार। टेस्टी इजी रेसिपी होती है, लंच में बनाओ डिनर में बनाओ, हमेशा ऐसा लगता है कि आज का खाना बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब जिनको बैंगन पसंद है उनको, और जिनको बैंगन पसंद नहीं है उनके लिए कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने साथ में बनाई है दाल, तो वो दाल शुभम को बहुत पसंद है, बैंगन के भरते में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसको। और ऊपर से थोड़े से शेंगदाने और धनिया पत्ता डाल करके इस कढ़ाई पे मैंने डेकोरेट कर, और यहाँ पर जो 5 लीटर का कुकर है मेरा बटरफ्लाई का कुकर, इसमें मैंने दोनों कंटेनर्स लगाए थे दाल और चावल वाले, 3-4 सीटी हो चुकी हैं और पूरी स्टीम निकलने के बाद ही इस कुकर को खोलती हूँ मैं, और खोल करके देखा चावल तो एकदम परफेक्ट रेडी हैं, जबकि आज मैंने ज्यादा वेसल ली है तुअर दाल की अपेक्षा, तो दाल अच्छे से गली हुई नहीं थी कंटेनर में, फिर मैंने उसको पलट के उसी कुकर में डाल दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अच्छे से गला लेती हूँ मैं कुकर में डाल करके, बॉईल हो जाएगी तो अच्छा होगा, क्योंकि उड़द की दाल के साथ चना दाल भी है और उड़द दाल भी छिलके वाली वो थोड़ी टाइम लेती है बॉईल होने में। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी डाल करके गरम किया है, इसमें डाले हैं जीरा और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और ये डाला मैंने चावल, तो मैं बना रही हूँ जीरा राइस, तो मैंने घी डाल करके जीरा जैसे ही तड़का लग गया ना हरी मिर्ची कटी हुई डाली लंबी और चावल को भून लिया, कुछ मिनट के लिए ही लगातार हिलाते हुए यहाँ पर चावल फ्राई हो चुके हैं, इनके ऊपर डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और हमारे जीरा राइस रेडी, इनको भी निकाल लेंगे, तो वही मैं सोची थी किसमें निकालूं किसमें निकालूं, फिर वो जो बोल है ना गहरा है वो थोड़ा डीप है उसमें निकाल लिया मैंने, तो जीरा राइस निकाल लिया, जैसे होटल में आता है ना ढाबे में या रेस्टोरेंट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में छोटे छोटे से क्यूट से बर्तन होते हैं, फिर जब आता है टेबल पे देख के कितना सुंदर लगता है, खाना तो हर घर में बनता है हर रोज बनता है, लेकिन वो हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो जो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है ना वो चीज अच्छी लगती है ना, तो वही ये देखो तांबे का ये जो पॉट है स्टील का है अंदर, और इसे मैंने डाले हैं जीरा राइस, तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया सजा दिया। अब कढ़ाई पे वापस से घी गरम किया है, जीरा डाले हैं और इसमें कटी हुई बारीक लहसुन डाली है, थोड़ी ज्यादा सी रहे क्योंकि उड़द की दाल में अच्छी लगती है, लाल सूखी मिर्च दो, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे, और घी में अच्छे से फ्राई हो जाए ना जीरा और लहसुन गुलाबी गुलाबी सा, और फिर इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, तो प्याज डाल के भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इस समय जो तड़का बनता है, क्योंकि जो मसाले वाली दाल दालें होती हैं मेन है उनका तड़का, और तड़का जब बाद में लगता है ना उसका फ्लेवर कुछ अलग ही रहता है। और यहाँ पर कुकर में मैंने दाल वापस से डाली थी तो वो अच्छे से बॉईल हो जाए, और हींग भी डाली है लास्ट में, लास्ट में हींग डालते हैं तो उसकी खुशबू परफेक्ट लगती है, खाने में स्वाद आता है, और ये डाला है मैंने अदरक कद्दूकस किया हुआ, अदरक और हींग ये और लहसुन ये सारी चीजें ना बादी को खत्म करती हैं, उड़द की दाल में रहता है बादीपन, और ये बारीक कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्ची, साथ में डाला नमक जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएं, मैंने दाल को उबालते वक्त भी एक टमाटर डाला था, ये दूसरा एक टमाटर मैंने तड़के पे डाला है क्योंकि वो जो मैंने उसमें डाला है वो अच्छे से बिल्कुल घुल जाएगा दाल के साथ में। अब साथ में सूखे मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी भी डाली है मैंने, हालांकि दाल पकाते समय भी डाला है, और लाल मिर्ची हमेशा की तरह आधा चम्मच, और आधा चम्मच हमने डाला गरम मसाला, अब इस सूखे मसालों की वजह से दाल मसालेदार लगती है और वो टेस्टी लगती है, थोड़ा सा पानी डाला है 2-3 चम्मच जिसे सूखे मसाले जले नहीं, और टमाटर प्याज सूखे मसालों का अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। अब मैंने जब कुकर खोला तो देखा दाल एकदम परफेक्ट गल चुकी है, चने की दाल भी बॉईल हो गई है और उड़द की दाल, और जब भी घुट जाती है दाल तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है,
पहले ये बिल्कुल अलग अलग थे कंटेनर में, इसलिए मैंने इसको उबाला। वरना तुअर दाल, मसूर की दाल या मूंग दाल, इन दालों को जल्दी मतलब उसमें पक जाती है, उनको दोबारा नहीं उबालना पड़ता। और ये दाल मैंने डाली है कढ़ाई पे और मिक्स कर दिया सारा तड़का, एक अच्छी सी उबाल आ जाए तेज, और उबाल के बाद बंद कर दे। बहुत ज्यादा पतली ये दाल अच्छी नहीं लगती और बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं हो कि मतलब राइस के साथ खाने में मजा ना आए। और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया, और घी में तो ये दाल तड़का लगा ही है, लेकिन ऊपर से बटर डाल के और ज्यादा टेस्टी लगती है, स्वाद बढ़ जाता है। तो ये दाल को मैं निकाल लूंगी, तो मैं सोच रही हूँ छोटी बकेट में निकालते हैं, ये जो बाल्टी है ना देख के ही मजा आता है, बाल्टी में आ रही है दाल। तो दाल का जो असली मजा है ना, दाल मखनी, राजमा, ऐसी चीजें, या फिर ये जैसे उड़द दाल मसाला है और इसके ऊपर से डाला है बटर, और रेडी हो गया है बैगन का भरता, चावल और दाल। तो अब बनेगी रोटी, और इनके साथ रोटी, नॉर्मल रोटी ना बना के, मतलब फुलका ना सेक के, मैं ज्वार की भाकरी बनाने वाली हूँ, तब एकदम देशी वाला खाना हो जाएगा। तो ये ज्वार का आटा मैंने पीसा था ना, वही है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। जब आप ज्वार का आटा पिसाएं तो साथ में थोड़ा सा चावल जरूर ऐड कर देना, उससे ज्वार की भाकरी बहुत अच्छी बनती है। पिछली बार मुझे किसी ने कमेंट में बताया था और मैं जरूर ट्राई करूंगी। इसमें मैंने थोड़े से तिल डाले हैं और गरम गरम पानी डाला है आटे के ऊपर, उसको किसी भी चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दें तो पूरा आटा फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, नरम। और थोड़ा गाढ़ा ही रखें आटा पहले, क्योंकि बनाते बनाते फिर वो गीला सा हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा ही आटा गूंथना चाहिए, जितनी रोटी की आपको जरूरत है। जैसे गेहूं का हम लोग बहुत ज्यादा गूंथ के रख लेते हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा आटा भिगोया, उससे रोटी अच्छी बनती है भाकरी। और थोड़ा सूखा आटा थाली में लगाया और हाथों से ऐसे उसको बेलना नहीं पड़ता, ऐसे फैला दिया जाता है थप थप करके। और मुझसे बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं बनती हैं, लेकिन जैसी तैसी बन जाती हैं, और वो फूल जाती हैं बेचारियां, तो मैं खुश हो जाती हूँ। और ये डाला मैंने रोटी तवे के ऊपर, ऊपर जो सूखा आटा रहता है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी जरूर लगाना, पूरी गीली कर लेते हैं ना, फिर उसको जब एक साइड से पक जाती है उसको पलट दिया जाता है, तो जिस साइड से वो गीला होता है, पानी लगा होता है, वो तवे पे चिपक लगती है। तवे पे चिपकने की वजह से उसमें एक अलग सा लाइनिंग लाइनिंग दिख जाएंगी, मतलब तवे में चिपक के पकड़ आ जाती है ना उसमें, तो एक निशान जैसा बनता है ये, और वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। भाकरी में वो सर्कल जैसा आता है, ये इस तरीके का चित्ती चित्ती पड़ जाती हैं, ब्राउन डॉट्स। और फिर इन्हें फुला लो, तो हल्के से पहले धीरे 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 करके आंच लगते लगते, फिर वो मतलब दो पल्ले तो हो ही गई ना, खुल गई, कहीं से थोड़ा थोड़ा सा होल होगा तो हवा निकल जाती है भाप, लेकिन वो पूरी फूल गई रोटियां। और गर्मा गर्म रोटियां, सफेद मक्खन हो चाहे घी हो चाहे मक्खन लगाओ, और उसके साथ हो गया हमारा देशी वाला खाना। अब मैंने सोच रही हूँ कि टाइमिंग चेंज कर लेती हूँ, जैसे शुभम को खिलाना है। पहले हमेशा गुप्ता जी का ये रहता था कि टाइम से आ गए, फिर टाइम से खाना पीना हो गया, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ 7:30 बजे तक खाना, 7:30 से 8 के बीच, क्योंकि 7:30 सोच के चलूंगी ना, तब 8 बजे होगा डिनर निपटेगा। बहुत लेट हो जाता था हम लोगों, कई बार अब अगले तक हो जाता था, और फिर वो 9:30 बज जाते थे खाना होते होते। तो अब मैं थोड़ा जल्दी निपटाना चाहती हूँ डिनर, तो हम 8 बजे तक मेरा टारगेट है कि तारक मेहता के पहले खाना खा लो शुभम। तो ये थाली लगा रही हूँ मैं, फिर गुप्ता जी तो अभी नहीं है घर में, जब वो आएंगे तब खाएंगे। तो पर मैंने रसोई तैयार कर ली है, आटा भी है कि रोटियां गर्म सेक लूं, और ये मैंने दाल, बैगन का भरता, जीरा राइस और दही, तो ये थाली लगाई। और शुभम को मैंने बोला तुम खाना खा लो, क्योंकि अब 7:30 से 8 के बीच खाना करना है सबको, तो इसके हिसाब से सब, क्योंकि कभी भी मानो अगर बीच में जाना वाना भी पड़ा तो लेट नाइट खाना फिर वो सही नहीं रहेगा ना उनके लिए। और पिंक सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, भुना जीरा, और रोटियों में लगाया घी गरम गरम, थाली तैयार। तो आज हमारा देशी थाली है, बैगन का भरता, उड़द की दाल, जीरा राइस, ज्वार की भाकरी और साथ में दही। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।